जी का जैसा स्मरण हो प्रश्न जी शांत हो, बोले मेरा धनुष किसने तोड़ा? इस रामचंद्र ने तोड़ा। तो बोले तू उसको तोड़ा है, आज ये बता दे कि तू ये मेरे इस धनुष को भी तोड़। ऐसा करते उन्होंने धनुष हाथ को लेके धीरे गए, लेकिन उनकी अवतार क्षमता को जब हाथ रामचंद्र ने लगाया और उनका हाथ इनका हाथ स्पर्श हुआ, तो परशुराम जी की वो अवतार वाली शक्ति सब रामचंद्र जी में चली गई और परशुराम जी पूर्ण रूप से शांत हो गए। और दत्तात्रेय जी ने कहा कि परशुराम जी अब चिरंजीवी बनकर आपको कार्य करना है। तब सारे लोगों को देखते हुए कहा कि मेरा अवतार कैसे खत्म हो गया, अभी इसके बाद मैं क्षत्रियों को कभी नहीं मारूंगा और ये मेरा कार्य यहाँ तक। अब रामचंद्र जी तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, ये बात करते हुए, लेकिन इस 21 बार करते हुए पृथ्वी को 21 बार जीता हूँ और इस पृथ्वी का पूरा अधिकारी मैं हूँ, मैं ही राजा हूँ, लेकिन आज उस राजपाट छोड़ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दान में ये पृथ्वी सारी दे दे रहा हूँ। ऐसा रामचंद्र जी को उन्होंने दान दे दी पृथ्वी, क्योंकि जीता मैं था। जैसे ही उन्होंने दान दे दिया, विश्वामित्र ऋषि ने एक मुस्कुराहट मुस्कुराई और परशुराम जी ने कहा क्यों भी क्यों मुस्कुराए? बोले फिर आपको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, अभी रामचंद्र जी को पूछना पड़ेगा। आप सब कुछ सब दान दिए थे, पृथ्वी पर रहेंगे कहाँ? सारी पृथ्वी तो दान दे दी, आपको कहाँ रहना, कहाँ रहेंगे आप? परशुराम जी को दिमाग में आया मैं रहूँगा कहाँ? तो रामचंद्र ने कहा नहीं, आपकी दी हुई, आप दान दी हुई चीज़ को कभी लेने वाला वो शेष नहीं, कह रहा था मैं ब्राह्मण हूँ, बोले। और परशुराम जी वहाँ से चले गए। चले जाकर एक बार देखे और शिव जी को बोले ये मेरी स्थिति में दान दे दिया, मैं कहाँ रहूँ? बोले तेरे परशु किस काम का? एक बार परशु को ले ले समुद्र के पास गए और कहा है समुद्र मुझे पृथ्वी चाहिए, मेरी अलग दान में दी हुई छोड़कर मुझे पृथ्वी चाहिए। तब समुद्र ने कहा प्रभु गुस्से में मत आओ, आप जहाँ चाहते हैं उसको ले लो। तो उन्होंने कहा समुद्र में एक ही, उन्होंने जोर से परशुराम ने समुद्र में अपने परशु से मारा, मारते ही जीव भूमि ऊपर आई, वही आज की केरला है, उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया। और आप केरला का अगर आकार देखते हैं तो केवल परशु का आकार है, आप देख लेना कि परशुराम क्षेत्र कहा गया है। उस तरह परशुराम के साथ वो आए। तब जब आए तो उन्होंने पूछा कि परशुराम जी अब आप तो चिरंजीवी रहने वाले हैं, इस संसार में आगे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जिस माता काली के रूप में शांत होकर मुझने उसे काल ज्ञान दिया और मैं शांत हुआ और मैं आज तक चलता रहा, मैं इस काली माता का प्रचार इस संसार में करूँगा। परशुराम जी ने कम से कम दस महाविद्याओं में काली के मंदिर, 1000 काली के मंदिर स्थापन किए होंगे और इसी काली को जितने भी उनके शिष्य हुए उन्होंने काली की दीक्षा उनको प्रदान की और कहा कि काली को किस तरह प्रत्यक्ष किया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे आजकल के साधकों को पूछे तो काली को रक्त पीने वाली, बकरी को काटो, शराब दो, स्मशान में जाओ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन परशुराम जी पहली बार ऐसे कहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ माँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तुझे क्या मेरे को प्रत्यक्ष होने के लिए, एक गुरु का शिष्य हूँ, मुझे ये सब देना होगा? अगर ये देना होगा तो माँ नहीं मैं बेटा नहीं, तुझे यूँ ही प्रसन्न होना होगा। तब परशुराम जी को माँ प्रसन्न होकर कहती है कि तू जो चाहेगा मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास फूल है, मेरे पास फल है, मेरे पास तेरा मंत्र है और मैं तेरे चरणों में झुककर नमस्कार करता हूँ। मैं जिस भी अष्टमी के दिन तुझे प्रार्थना करूँगा उस दिन तुझे प्रत्यक्ष होगी, ऐसा उस दिन मुझे प्रदान कर। और जो भी जिस शिष्य को यह मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होगा और वो शिष्य करेगा तो उसको दर्शन देगी, इसका भी वचन मुझे दे दे। तब माता काली ने कहा एक शर्त पर मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ, वह जो शिष्य तेरे तरह समर्पित अपने गुरु के प्रति हो तो मैं उसको जरूर दर्शन दूंगी, ये मेरा वचन है। ऐसा माता परशुराम जी से माता ने कहा। वह अगर अपने गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु के वचनों को कभी टाल कर नहीं जाता, गुरु के वचनों को लेकर चलता है और तेरे भांति समर्पित है तो मैं इस साधना से उसको प्रत्यक्ष होंगे। आज समुद्र फेन से बनी हुई गुटिका और त्रिधातु महर्षि महाशस्वी महाकाली की गुटिका को जो हाथ में लेकर रात के 10 बजे के बाद माँ काली को लाल फूल या सफ़ेद फूल जो भी मिलते हैं चढ़ाते हुए उनके चरणों में केवल 11 माला करता है और उस गुटिका को अपने पास रख लेता है। कहते कि उसके जीवन में मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तुम गुरु के प्रति समर्पित हो तो तुम्हें काली जरूर दर्शन देगी। तुम्हारे गुरु के समर्पण की और तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने जीवन में बहुत सारी साधनाएँ की, बहुत सारी चीज़ें करते हुए कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इस बात से उब गया हूँ कि मैं कितने दिन तक तुम्हें कहता रहूँ और तुम करते रहें। हम जीवन में कुछ करना है। हमारे गुरु जी ने दस महाविद्याओं को पहली बार इस संसार में बताया था कि दस महाविद्याएँ हैं और दस महाविद्याओं को सिद्ध करना है, जिसमें 3 महाविद्याएँ सिद्ध हुई तो आप सिद्धाश्रम पहुँच सकते हैं और सिद्धाश्रम में सारी देवताओं को देख सकते हैं, ऐसा गुरु जी ने कहा था। आज तक महाविद्याएँ तो दूर,
हम हमारे गुरु को प्रसन्न नहीं कर सके, गुरु को सिद्ध नहीं कर सके, गुरु मंत्र को नहीं कर सके, हम गुरु के वचनों को पाल नहीं सके। गुरु कहता है कि तो ऐसा मत कर, तो गुरु की हर्जा जिद्दी के साथ खड़े रहते हैं, वो तुम्हारा नाश तुम कर रहे हैं, तुम्हारा नाश तुम बोल रहे हो। गुरु अपना कर्तव्य कह रहा है, गुरु कह रहे हैं कि तो ऐसा कर। गुरु को तुझे तेरी चिंता है, तुझे कितनी उच्च स्थान पर ले जाए, तुझे किसी उच्च स्थल पर ले जाए, तुझे किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए, ये गुरु जानता है। लेकिन तू फिर भी जिद्दी के साथ कोई कार्य करता है तो ये तेरी इच्छा है। और गुरु का मन तोड़ना या गुरु की इच्छा के बिना काम करना, ये तेरी इच्छा पर आधारित है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ कि तुम्हारे गुरु के प्रति समर्पित रहो। मैं ये कभी नहीं कहा और आज भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुम्हारे और मेरे गुरु स्वामी कृष्णा जी, डॉक्टर नारायण सिंह जी, मैं गुरु भाई हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ। लेकिन गुरु के प्रति जब समर्पित हैं, आप गुरु चरणों में अपना कार्य करते हैं, तो आप इस बात को याद रखें, आज 10 बजे के बाद खाना खाएं या कब आएं, गुरु गुटिका और एक समुद्र प्रेम की गुटिका है, समुद्र प्रेम की गुटिका के साथ तिलक करें और काली गुटिका को हाथ में रखकर केवल 11 माला माता काली और गुरु को अष्टोत्तर करने के बाद, यानी उनको फूल चढ़ाने के बाद इस साधना को संपन्न करें। आज 3 दिन के इस गुरु जन्म दिवस का पहला दिन है और आप सभी को गुरु के प्रति समर्पित होने के लिए पहले उदय महाराज और शिशु महाराज के साथ गुरु अष्टोत्तर और काली अष्टोत्तर करवाऊंगा। आप अपने पास फूल या अक्षत अपने हाथ में ले लें, यहाँ काली माता की मूर्ति भी है और गुरु जी की मूर्ति भी है, वहाँ फूल चढ़ाएं। उसके बाद मैं साधना का मंत्र और विधान बोलता हूँ। पहले गुरु मंत्र देता हूँ, उसके बाद अष्टोत्तर का कार्यक्रम करेंगे, गुरु की आरती उतारेंगे, बाद में काली की साधना करेंगे। सभी लोग फूल और अक्षत ले लेना, मैं उसके लिए 5 मिनट देता हूँ। पहले गुरु दीक्षा देता हूँ, जो नए आए हैं या पुराने सभी लोग गुरु दीक्षा लें। हाथ जोड़े बोलो, मैं जैसा कहता हूँ, स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना बायां हाथ हृदय पर रख लो, राइट हैंड सर पर रख लो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप सब लोगों को 5 मिनट का समय देता हूँ, फूल और अक्षर ला लो। पहले गुरु अष्टोत्तर करेंगे, बाद में कालिका माता का अष्टोत्तर करेंगे, बाद में मैं कालिका माता का मंत्र। कालिका माता का मंत्र जब करते समय हम देवता जैसे होते हैं, उस तरह अगर हो जाते हैं तो देवता करने का या साधना करने का या देवता तत्व को प्राप्त करने का होता है। तो माता तुम्हें ये कहना चाहती काली की, तुम काल कवल में सब लोग कितने भी सुंदर हो, बहुत गोरे हो, बहुत सारे सुंदर है, तुम्हारी तारीफ भी की होगी, लेकिन तब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा मुंड मुंड की तरह ही रहेगा, तुम्हारी हड्डी हड्डी की तरह ही रहेगी। और वो अपने को बोलते हुए काल मैं हूँ, तुम्हारी सुंदरता को तुम्हारे ऐश्वर्य को सभी को मैं निगल लेने वाली हूँ, तुम्हारी कोई सुंदरता तुम्हारा कोई ऐश्वर्य नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हारा मुंड पहने हुए हूँ, मैं तुम्हारा मुंड धारण करती हूँ कि तुम्हारी सारी सुंदरता मेरे में विलीन हो गई, तुम्हारे पास कुछ बचने वाला नहीं है। इस तत्व को लेकर माता कहती है, तो माता के तत्व को धारण करने के लिए हमें मुंड को धारण करना है। इस साधना को रामचंद्र जी ने किया था, हनुमान जी ने कामकला काली को किया था, परशुराम ने, ऐसी देवता ऐसा ऋषि कोई नहीं कि इस काली की साधना जिसने नहीं की हो। ये बात अलग है, बाद में जो तत्व है, जो रावण या अघोरी तत्व है, उन्होंने अघोर मंत्र से साधना की, लेकिन सौम्य मंत्र से साधना करने वाली परशुराम जी ने शिव जी को और माता काली ने वचन लेकर ये साधना करवाई थी। और इस साधना करने से माता की प्रत्यक्षता का अनुभव होता ही है। इसमें हम किस तरह के बातों को हम धारण करें, किस तरह रहें, हम इस बात की करें और हम इस आज की रात में काली की साधना करें। तो 5 मिनट देता हूँ, फूल और अक्षत ले लेकर आए, उदय महाराज शिशु महाराज काली के अष्टोत्तर और गुरु अष्टोत्तर लेकर खड़े रहें। सभी को पहले गुरु अष्टोत्तर, गुरु जी के मूर्तियाँ वहाँ हैं और यहाँ नहीं, तो कहीं भी अब गुरु जी का अष्टोत्तर आपको आता है तो गुरु जी का अष्टोत्तर करके आए और काली माता के मंदिर में काली अष्टोत्तर करके यहाँ आ जाए। उसके बाद मैं काली माता का मंत्र आपको प्रदान करूँगा।
सब लोग 5 मिनट में फूल और अक्षर लेकर यहाँ जाए। आपके जीवन में कभी दस महाविद्याओं की साधना करनी पड़े या निरोगी काया के लिए अपने प्रार्थना की, परशुराम जी का मंत्र बहुत कठिन था उच्चारण करने के लिए, इसलिए मैंने नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ जी ने परशुराम जी से ही मंत्र मानकर, उनके गुरु को मंत्र मानकर जो मंत्र दिया था वो नाथ संप्रदाय का मंत्र है। लेकिन एक बार आप परशुराम जी ने जिस मंत्र से माँ काली, महालक्ष्मी, महाशिष, महाकाली, इन तीनों को एक ही मंत्र के साथ सिद्ध करके काली प्रत्यक्ष की थी और जिनको एकदम शाकाहारी यानी अपने से होने फुल फल को प्रदान कर वो चिरंजीवी बन गए, उनके जीवन में जब तक जिंदा रहे उनको कोई रोग, कोई शत्रु उनका नहीं रहा, उनके सामने खड़े नहीं सके, उनकी जो भी अभिष्ट सिद्धि थी वो अभिष्ट सिद्धि का उन्होंने पूर्ण किया। ऐसी काली प्रत्यक्ष सिद्धि करने के लिए जिसको काल ज्ञान हो कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, मेरा जीवन कैसा होगा, और कोई शत्रु जीवन में ना हो और अपने शरीर को रोग कभी भी ना सताए और हम चिरंजीवी बन के रहें और जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तब सभी देवता अपने को साथ करें, इस मंत्र को जो करते हुए सिद्ध करता है उसे काली प्रत्यक्ष होती ही है ऐसा कहा गया है। इसमें हम रात में 11 माला मंत्र करते हैं और सुबह या तो चमेली के फूलों से 1000 आहुति देते हैं या चमेली के तेल से, चमेली के रस से हम 1000 आहुति देते हैं, क्योंकि माता स्मशान में रहने वाली माता चमेली कब चाहे नहीं चाहे, वो तो स्मशान में रहने वाली मुंडमालाओं को, रक्त को चाहने वाली इस काली को ही आपने देखा है। लेकिन परशुराम जी ने जिस माता काली को सिद्ध किया था उस काली को कि तुम्हारे संसार में सुंदरता वो है कि जो तुम्हारे शरीर में तुम्हारे चमड़े को देखकर सुंदरता मत देखो, मन को देखकर देखो और जो काल के साथ चलने वाली सिद्धि को देखो, और उस विद्या को देने के लिए माता ने जो क्रिया की थी, जो मंत्र परशुराम जी ने किया था वो मंत्र पहले आपको मेरे मुख से उच्चारण करता हूँ। जो यह मंत्र करता है तो परशुराम जी का दिया हुआ है, बाद में नाथ संप्रदाय का मंत्र, मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। जजहरी महाचंड तेज संकर्षिणी कालमंथा नेहा। जजहरी महाचंड तेजस संकर्षिणी कालमंथा नेहा। जजहरी महाचंड तेज संकर्षिणी कालमंथा नेहा। ये परशुराम जी का माता को प्रत्यक्ष करने वाला मंत्र था, इसको 11 माला मंत्र करने से इसकी सिद्धि होती है। लेकिन इसका उच्चारण करने में जरा इधर उधर हो सके तो मैंने नाथ संप्रदाय का मंत्र दिया है केवल सुधीर के लिए। मंत्र इस प्रकार है मेरे शब्द को, ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, जो तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, ज्योत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ओम कालिका खड्ग खप्पड़ लिए ठाड़ी, ज्योत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त प्याली, करे भक्तों की रखवाली, न करे रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। इस बात को एक बार याद रखें कि इसमें इसको समुद्र फेन की गुटिका कहा है, समुद्रम पहने बच्चे गुरुगु तो तैयार जिसने गुटिका परशुराम पड़े थे कालिकामारी भूमिनी अड़गना అప్పుడు ఈ ఫేన్ అంటే ఈ సముద్రం యొక్క ముడుగులు వచ్చి ఆయనకు క్షేత్ర ఫలితాన్ని అంటే కేరళ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చింది.
11 माला लाइन तरह था, 11 माला होने के बाद आपके ऊपर से समर्पण की गुटिका को घुमाकर आप आपके पीछे कुंड में डालना चाहिए, पानी के कुंड में डालना चाहिए। इसको डालने के बाद पीछे पीछे पलट के नहीं देखना, मंत्र होने के बाद ये कार्य करना चाहिए। और ये त्रिधातु गुटिका है जो महालक्ष्मी महाशक्ति महाकाली की गुटिका है, इस गुटिका को आपके हाथ में रखकर कल चमेली के फूलों की आहुति देने के बाद माता काली को प्रत्यक्ष दर्शन देने की प्रार्थना करें। एक बात आपके मुझे पता है आप कैसा करते हैं क्या नहीं, आज 11 माला नहीं हुए तो कल कर लो, कल नहीं हुए तो परसों, ये 3 दिन आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, चमेली के फूल आप ही ला कर 1000 फूल ला लेकर अगर आहुति देते हैं तो इन 3 दिनों में ठीक है। इस साधना को रात्रि में ही करना है और सुबह चमेली के फूलों की आहुति डालना है या चमेली के तेल की आहुति 1000 आहुति डालनी है काली प्रतिष्ठा। इसको समुद्र फेन गुटिका कहा गया है। 11 माला होने के बाद आप कुंड के पास जाओ और कुंड की तरफ पीठ करके अपने ऊपर से घुमाकर इस तरफ पीछे डाल देना, जो कुंड में गिरना, अगर नीचे गिरता है फिर उसको उठा के पानी में, इसको पानी में ही गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, पानी में गिरना चाहिए। और इस गुटिका को रख लेकर 1000 चमेली की आहुतियाँ दें, काली माता की प्रत्यक्ष सिद्धि है जिस प्रकार प्रशांत जी ने कहा है उस प्रकार इस साधना को संपन्न करें। खाना खा ले रात के 10 बजे के बाद। एक बात बता रहा हूँ, काली साधना करते समय अकेले रहना ही ठीक है, 10 लोगों को लेकर बैठ के साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैरव सांप बिच्छू कोई भी है माता का मुंड वो सब आपके सामने आ सकते हैं, आप इस चीज़ को याद रखें। बैठ के दोनों तीनों हाथ पकड़ के साधना नहीं करना, अकेले बैठो, कहीं भी आश्रम इतना बड़ा है किसी पेड़ के नीचे बैठ कर साधना कर सकते हैं। ये समुद्र फेन गुटिका और काली गुटिका आपको दे रहा हूँ, काली हैकिक माला है उस मंत्र से साधना करनी है। आप साधना संपन्न करो आज कल परसों 3 दिन में, लेकिन 1000 आहुति दूसरे दिन सुबह डालना है जब भी आपको साधना हो सके। एक गुटिका और समुद्र फेन गुटिका यहाँ दे रहा हूँ, आप रात में साधना संपन्न करें। इससे पहले एक बात आपको बता देता हूँ, आप सब लोग खड़े रहें, हम काली माता की कर्पूर की आरती करेंगे, कर्पूर से आरती करके काली माता को नमस्कार करके जो साधना करने वाले हैं इन गुटिकाओं को ले लेकर 10 बजे के बाद साधना संपन्न करें। आपके जीवन में आप निरोगी काया किसी प्रकार का भय नहीं चाहते और माता काली कहीं भी आप जंगल में जाओ या कहीं भी रहो शत्रुओं के सामने रहो रक्षा चाहते हैं तो इस गुटिका को आपके पास रख लें और जो मैं कार्य कह रहा हूँ वो दे दें। समुद्र फेन में भगवान ने जैसा कहा है कि उसकी परशुराम जी आज भी चिरंजीवी बनकर है, जो इस मंत्र को करता है कहते हैं कि परशुराम जी उसकी सहायता करते हैं, वो चिरंजीवी है। जिस प्रकार हनुमान जी चिरंजीवी है वैसे परशुराम जी भी चिरंजीवी है, जो इस मंत्र को करता है प्रभु परशुराम जी के चरणों में सर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साधकों को आप उनकी रक्षा करें। इस मंत्र को करने के बाद आपके चरणों परशुराम जी के कल्पसूत्र के अनुसार इस मंत्र को करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी रक्षा करें। पहले माँ काली की और गुरु जी की कर्पूर आरती होगी, उसके बाद नमस्कार कर लें, साधना की सामग्री ला लें, खाना खा लें। हाँ, एक बात याद रखें, आपके पास काला और नीला वस्त्र हो तो वो पहनकर ही साधना संपन्न करें, काला या नीला वस्त्र नहीं है तो लाल वस्त्र पहन लें। और एक बात, काली को देखकर कौन नहीं डरते आप मेरा रहा बताओ, कोई नहीं। अच्छा, कौन काली भाई, पुरुषों को छोड़ दो, लेडीज को बोल रहा हूँ। कुलकर्णी भाई पहलवान है ना। पल्लवी आओ आरती करो काली माता की। साधना करने वाले हैं वो इस अपनी साड़ी को इसको लगा लेना, मुंड को आपके पास आपके साथ रखा लेना, माता काली तुम्हारे पास आएगी, जो इसके पास ये मुंड हो उन्हीं के पास माता आती है, डरा देती है, जरा संभल कर लेना। आपके साड़ी को आपके इसके ऊपर रख लेना, इसके आपके पल्लू को बांध लेना, पुरुष रहे तो आपके ऊपर जो डाल देते हैं उसको रख लेके काली की साधना करना। आपको यहाँ से सिंदूर के साथ आपकी साड़ी के ऊपर क्लीम बीजाक्षर लिखो और अभी सिंदूर का तिलक कर लो, कर लेके काली की साधना करनी चाहिए। सिंदूर का तिलक कर लो और साड़ी पर सिंदूर से ही क्लीम बीजाक्षर लिखो, या आपके धोती पर जो भी आप पहनते हैं उसके ऊपर आसन कर, आसन के ऊपर भी क्लीम बीजाक्षर लिखिए तो जल्दी ही प्रत्यक्ष होती है। और ये जो फूट या तो प्रशांत जी का मंत्र करो या फिर नाथ साम्राज्य का मंत्र, कोई भी एक 11 माला मंत्र करो, वो प्रशांत जी का मंत्र भी लिख के लिया हो, जो लोग अच्छी तरह संस्कृत बोल सकते हैं उस मंत्र को उसी तरह पढ़ें, गलत ना पढ़ें, इसलिए वो भी मंत्र लिख के दे रहा हूँ। और ये जो मुंडा माला है वो मुंड को अपने पास अपने
पल्लू को या पुरुष अपने गुरु चादर को मान लेकर साधना संपन्न करें। अभी काली माता की आरती होगी, कर्पूर आरती। ओम श्री धात श्री आदिर्याय श्रीम चतुर्भुवदे दिव्यांगराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।